मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जयराम ठाकुर की पीएम मोदी से मंत्रिमंडल विस्तार समेत प्रदेश में विकास की गति को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा इन्वेस्टर मीट के बाद जो कार्य धरातल पर उतारे जा रहे हैं उसके संबंध में भी प्रधानमंत्री को अवगत करवाया। साथ ही बताया जा रहा है कि जयराम ठाकुर ने रेल मंत्री पीयूष गोयल से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के विभिन्न रेल प्रोजेक्टों को शुरू करने पर चर्चा की। हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर आज दिल्ली में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान पहुंचे। इस दौरान संसद भवन में जयराम ठाकुर का वेलकम करने के लिए मंडी के सांसद रामस्वरूप शर्मा, कांगड़ा से किशन कपूर और शिमला से सुरेश कश्यप मौजूद रहे। सीएम का स्वागत पुष्प गुच्छे देकर किया गया। इस दौरान हमीरपुर के सांसद व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर नहीं दिखे। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह ने कांग्रेस हाईकमान द्वारा प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी को तत्काल प्रभाव से भंग करने के निर्णय को उचित ठहराया है। उन्होंने कहा कि ये उचित समय में लिया गया सही कदम है। साथ ही उन्होंने इस फैसले के लिए पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी का आभार व्यक्त किया। कांग्रेस हाईकमान के इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए वीरभद्र सिंह ने कहा कि वे पहले से ही इस बात पर जोर देते रहे हैं कि पार्टी में पदाधिकारी वे होना चाहिए जो आम लोगों के बीच अपना कुछ महत्व रखता हो। मनाली के साथ लगते गांव अलेव में गुरुवार दोपहर अचानक आग लगने से 6 कमरों का मकान जलकर पूरी तरह से राख हो गया। इस आगजनी में लाखों का नुकसान हुआ है, वहीं 3 परिवार बेघर हो गए हैं। वहीं इस आगजनी में 6 कमरे पूरी तरह से जलकर राख हो गए। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की है। कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से हमीरपुर रेल लाइन और द पवेलियन पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। पत्रकार वार्ता के दौरान राणा ने कहा कि अब रेल लाइन पर कोई बहाना नहीं चाहिए क्योंकि देश के खजाने की चाबी अब अनुराग ठाकुर के हाथों में है। सर्वे पूरा होने और 2800 करोड़ बजट की स्वीकृति का राग अलापने वाले अनुराग ठाकुर बताए कि हमीरपुर में रेल लाइन कब पहुंचेगी, नहीं तो जनता को गुमराह करने के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। आईपीएल और प्रो कबड्डी की तर्ज पर बिग बाउट बॉक्सिंग लीग 2 दिसंबर से शुरू होगी। इसमें देश की 6 टीमें भाग लेंगी। इसमें भारतीय बॉक्सिंग खिलाड़ियों के साथ विदेशी बॉक्सर भी दम दिखाएंगे। इस लीग में 6 बार की विश्व चैंपियन एमसी मैरीकॉम एनसीआर पंजाब रॉयल्स की टीम की सदस्य बनी है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिमाचल के बॉक्सिंग स्टार आशीष चौधरी को भी अडानी गुजरात ने अपना सदस्य बनाया है। आशीष चौधरी को अडानी गुजरात ने 2 लाख रुपए में खरीदा है। जी नमस्कार, मैं आशीष और मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे बॉक्सिंग लीग स्टार्ट होने वाली है जो कि 2 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगी और मैं अडानी ग्रुप की तरफ से खरीदी गई टीम गुजरात टीम की तरफ से खेल रहा हूँ 75 kg वेट में। तो मैं चाहता हूँ कि आप सभी हमें सपोर्ट करें।